गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए क्विज सेशन में अपने 156 नंबर सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, चलिए स्टूडेंट क्विज स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, पंजाब में एडीओ की जो वैकेंसी आई है उसके लिए ऑनलाइन जो बैच है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वही क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है, पूरी जो बुक्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आएगी, इसमें लाइव मॉक टेस्ट भी रहने वाले हैं, उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है, ठीक है। डेमो क्लासेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे, और कोर्स भी आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं, और इस कोर्स का जो प्राइस है वो है आपका 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपये है कंप्लीट पैकेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्विज। अभी जो कोकोनेट डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई उसका सिलेबस क्या है प्लीज सेंड मी। देखिए स्टूडेंट, ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो टेलीग्राम है उस पे डाल दिया जाएगा, इसके अलावा ऑनलाइन जो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है उस पे भी सिलेबस ऑलमोस्ट जो एग्जाम है उनके पड़े हुए हैं। जो क्विज सीरीज थी उसमें 150 एमसीक्यू थे, अब 123 है। उसमें से जो कुछ 12th लेवल की वैकेंसीज के लिए जो प्लेलिस्ट थी वो हटा दी है, मतलब वो जो 12th लेवल की वैकेंसीज के लिए थी उनकी अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। अब जो 123 बची हुई है वो बीएससी लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए है। राम राम भाई, वैकेंसी कब आएगी ये मेरा काम नहीं है ना, मेरा काम पढ़ाना है। वैकेंसी कब आएगी ये काम सरकार का है, सरकार बताएगी कब है ना, कब वैकेंसी आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है। सबसे पहले है राइस टुंग्रो वायरल, देखो ये सारे के सारे वायरल डिजीज दिए हुए हैं, और कौन सा वायरस डिजीज कौन से इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है, इनके लिए जो मैचिंग ठीक नहीं है ना वो वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है। राइस टुंग्रो वायरस डिजीज है, स्टेटमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, राइस टुंग्रो वायरस डिजीज है ये जनरली ट्रांसमिट किससे होता है, निपोटेक्स निपोटेटिक्स वायरिसेंस और निपोटेटिक्स निग्रोपेक्टस यानी ग्रीन लीफ हॉपर से फैलता है। राइस टुंग्रो डिजीज जो है वो ग्रीन लीफ हॉपर से फैलता है, ठीक है। ग्रीन लीफ हॉपर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो निपोटेटिक्स वायरिसेंस होता है और निपोटेटिक्स निग्रोपेक्टस होता है, जिसको आप ग्रीन लीफ हॉपर बोलते हैं। तो राइस टुंग्रो वायरस डिजीज है वो ग्रीन लीफ हॉपर से फैलता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है ग्रेसी स्टंटेड वायरस डिजीज जो है, ग्रेसी स्टंट वायरस डिजीज है ये जनरली क्या है, ब्राउन प्लांट होपर से फैलता है, और ब्राउन प्लांट होपर को आप क्या बोलते हैं, नीला परवाटा लुगेंस बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रेसी स्टंट वायरस डिजीज जो है वो ब्राउन प्लांट होपर से फैलता है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो रैग्ड स्टंट वायरस डिजीज जो है, ये फैलता है येलो प्लांट होपर से, किससे फैलता है, येलो प्लांट होपर से फैलता है। और डी ऑप्शन है वो ये कहता है कि स्टरलिटी मोजक वायरस किसका है भाई, पीजन पी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। स्टरलिटी मोजक वायरस डिजीज जो है वो जनरली किससे फैलता है, एरिफाइड माइट से, जिसको आप एकेरिया के जानी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एकेरिया के जानी। तो चार स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है, राइस टुंग्रो डिजीज है
ये ग्रीन लीफ हॉपर से फैलता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइस टुंग्रो वायरस डिजीज है, ये ग्रीन लीफ हॉपर से फैलता है, पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखते हैं, आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज जो है वो ब्राउन प्लांट हॉपर से फैलता है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। रेड स्टंट वायरस डिजीज है, ये भी ब्राउन प्लांट होपर से ही फैलता है, लेकिन इसने लिखा है येलो प्लांट होपर, तो हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था वो मिल गया है। कौन सा यहाँ राइट आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन है वो राइट होगा। डी ऑप्शन दिया हुआ, स्टरलिटी मोजक वायरस डिजीज ऑफ पीजन पी किससे फैलता है, ये माइट से फैलता है, कौन सी, एकेरिया केजानी, यानी जो एरोफाइड माइट है उससे फैलता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट है, क्लियर है। तो ये जो रेड स्टंट वायरस डिजीज है ये भी ब्राउन प्लांट होपर से ही फैलता है, किससे फैलता है, ब्राउन प्लांट होपर से ही फैलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज बहुत लंबी है, आप किसी भी लैंग्वेज को देखकर डरिए मत, है ना। लैंग्वेज लंबा होने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन टफ होता है, बस उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और समझ के फिर रिप्लाई करिए, है ना, तो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही जाएगा। फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि लाइव है वो प्रॉपर हो जाए अपने, ताकि पढ़ाने में भी मजा आए और आपको पढ़ने में भी आए। देखिए पहला सेकेंड जो अपना क्वेश्चन आज की क्विज का वो है, फिल इन द ब्लैंक इज ए फार्मिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्विंग मेजरिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इंटर एंड इंट्रा फील्ड वेरिएबिलिटी इन क्रॉप्स। द गोल ऑफ फार्मिंग इज टू डिफाइन ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर होल फार्म मैनेजमेंट विथ द गोल ऑफ ऑप्टिमाइजिंग रिटर्न ऑन इनपुट्स विच द प्रिजर्विंग रिसोर्सेज। देखो ये क्या कह रहा है, वैसे तो हिंदी दे रखा है मैंने यहाँ पे साथ में, एक कृषि प्रबंधन अवधारणा है जो फसलों में अंतः और अंतरा क्षेत्र परिवर्तनशीलता को देखने मापने और प्रतिक्रिया देने पर आधारित है। इसका लक्ष्य संसाधनों को संरक्षित करते हुए इनपुट पर रिटर्न का अनुकूलन करने के लक्ष्य के साथ पूरे कृषि प्रबंधन के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली को परिभाषित करना है। तो ये किस प्रकार की फार्मिंग है, देखो ये यहां पर क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करें कि आप अपने खेत की वेरिएबिलिटी को देखिए, आसपास के खेतों की वेरिएबिलिटी को देखिए, इंटर और इंट्रा वेरिएबिलिटी है उसको आप क्या है ऑब्जर्व करें, मेजर करें और उसके प्रति रेस्पॉन्ड करें। कहने का मतलब आप जिस क्षेत्र में, पहले तो अपने खेत में वेरिएशन देखें कि कौन से फील्ड में कौन सी जगह पे उत्पादन ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है, उसका कारण क्या है, फिर आसपास के खेतों से कंपेरिजन करिए, दूसरे खेत में बहुत बेहतरीन हो रहा है अपने में कम हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या, ऑब्जर्व करो मेजर करो और फिर उसके प्रति रेस्पॉन्स दो ताकि क्या है आपको भी वहां बेहतरीन उत्पादन मिल सके। और ये जो फार्मिंग होती है इसमें अपने क्या करते हैं कि जनरली क्या है ये सब करके अपने इंटर और इंट्रा वेरिएबिलिटी को ऑब्जर्व करके मेजर करके रेस्पॉन्ड करके हम क्या करते हैं, मतलब एक ऐसा रिसर्च सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या हो जाए, बेहतरीन हो जाए, ताकि हम ये डिसीजन ले सकें कि हमारे खेत में हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं और मतलब इस बात का डिसीजन ले सकें कि हम अपने खेत में क्या करें जिससे हम क्या है कम से कम इनपुट डालकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, यानी इनपुट से मैक्सिमम रिटर्न है वो प्राप्त कर सके। इस तरह की जो फार्मिंग है यानी जो बिल्कुल एक्यूरेसी वाली फार्मिंग है उसे कौन सी फार्मिंग बोलते हैं। पहला ऑप्शन है रेस्पॉन्स फार्मिंग। देखो रेस्पॉन्स फार्मिंग का, देखो मैं इसका आंसर ढूंढने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। रेस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम पूरा अनुमान होता है उसके अनुसार आप खेती करते हैं, मतलब वेदर फोरकास्टिंग है, मौसम पूर्वानुमान है उसके अनुरूप ही क्या करते हैं आप अपने डिसीजन लेते हैं, उसके अनुरूप ही आप खेती करते हैं, तो उसको रेस्पॉन्स फार्मिंग कहते हैं। ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं था, तो ये ऑप्शन तो राइट हो ही नहीं सकता है। देखो जो वेदर फोरकास्टिंग है, मौसम पूर्वानुमान है,
उसके अनुरूप क्या है, आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको एडजस्ट करते हैं, तो उसको रेस्पॉन्स फार्मिंग कहते हैं। रेस्पॉन्स फार्मिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट वेदर का कंपोनेंट होता है, मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, वो कौन सा होता है? परसिपिटेशन, वर्षण होता है। यानी रेस्पॉन्स फार्मिंग में हम सबसे जो मेन चीज देखते हैं वो परसिपिटेशन देखते हैं, वर्षण देखते हैं, कब होने वाली है, कितनी होने वाली है, क्या उसका वितरण रहने वाला है, उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे कौन सी क्रॉप लगाएंगे, कब उसमें इरिगेशन करेंगे, बला बला जो भी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, तो वो तो होती है रेस्पॉन्स फार्मिंग। लेकिन ऐसा तो नहीं पूछा गया था, तो ये ऑप्शन तो आपका ठीक नहीं है। इको फार्मिंग क्या होती है? देखो, इको फार्मिंग का मतलब होता है, पारिस्थितिकी खेती का मतलब क्या होता है, लोकल इकोसिस्टम को यूज करते हुए, लोकल इकोसिस्टम में जो भी आपके क्रॉप्स होती है, जो भी एनिमल्स होते हैं, उन सबको आपको शामिल करना है। यानी लोकल इकोसिस्टम को शामिल कर रहे हैं, जिसमें प्लांट्स भी एनिमल्स भी आप शामिल करोगे, केमिकल यूज नहीं करोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो भी आप उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और किसी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप बिना केमिकल के लोकल इकोसिस्टम को, बिना केमिकल के, बिना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के लोकल इकोसिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जो खेती करते हैं वो क्या कहलाती है? इको फार्मिंग। एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होता है इको फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोकल इकोसिस्टम यूज करें ये कोई जरूरी नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोकल इकोसिस्टम यूज करें कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप यूज नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड यानी कोई तरह का केमिकल यूज नहीं करते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। लेकिन आप लोकल इकोसिस्टम को यूज करते हुए न तो आप जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट्स काम में लेते हैं, न केमिकल फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, न केमिकल पेस्टिसाइड काम में लेते हैं, और न ही किसी प्रकार का कोई और केमिकल काम में लेते हैं, लेकिन लोकल इकोसिस्टम को जरूर शामिल करते हैं। लोकल इकोसिस्टम को शामिल करते हैं इसका मतलब प्लांट्स को भी शामिल करना पड़ेगा और एनिमल्स को भी शामिल करना पड़ेगा, उसको आप क्या बोलते हैं? इको फार्मिंग। तो इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यह डिफरेंस होता है, ऐसा भी क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था। परिसीजन एग्रीकल्चर या फिर सैटेलाइट फार्मिंग आप जिसको बोल देते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, सटीक फार्मिंग बोल देते हैं, या फिर आप बोलते हैं एकदम, मतलब सटीक बोल दिया बस ठीक है, हिंदी में पता नहीं सटीक को क्या, ये हिंदी में ही बोलते होंगे ना, तो एक्यूरेट फार्मिंग बोल सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग बोल सकते हैं, सैटेलाइट फार्मिंग बोल सकते हैं। तो देखो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर या सैटेलाइट फार्मिंग क्या होता है? ऐसी फार्मिंग जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने खेत में वेरिएबल ढूंढेंगे, उसके बाद आसपास के खेतों में की वेरिएबिलिटी देखेंगे, यानी इंटर और इंट्रा फार्म वेरिएबिलिटी देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे, भाई दूसरे के खेत में बहुत बेहतरीन फसल हो रही है, हमारे वाले में कम क्यों हो रही है, पहले तो उसका कारण जानेंगे, फिर उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। फिर क्या है, इनपुट जो आप अप्लाई करेंगे राइट सोर्स से देंगे, राइट वे से, सही तरीके से देंगे, राइट टाइम पे देंगे और राइट मेथड से देंगे, यानी आप सब कुछ एक्यूरेट अमाउंट में सब कुछ करेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही। देखो, राइट सोर्स से देंगे, राइट वे से देंगे, राइट टाइम पे देंगे, राइट मेथड से उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, कुछ भी फालतू नहीं देंगे, और कोशिश करेंगे जितना इनपुट दिया है उसका मैक्सिमम आपको क्या है, आउटपुट मिले, ताकि आप इनपुट का मैक्सिमम रेस्पॉन्स है वो प्राप्त कर सकें। और इस तरह से करके आप अपने खेत के लिए डिसीजन मेकिंग एक सिस्टम बना सकें कि हम किस तरह से डिसीजन लेके यहां पर क्या ग्रो करें। इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसे आप क्या बोलते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं, और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपका सी ऑप्शन है वो राइट होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्लियर है स्टूडेंट, बढ़े नेक्स्ट आगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप आर हायर देन ऑफ देयर प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया बेसिस कॉल्ड एज। वह फसल प्रणाली जिसमें इकाई क्षेत्र के आधार पर दोनों फसलों की पैदावार, दोनों फसलें यानी एक ही फील्ड में लगा रहे हो, इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, इंटरक्रॉपिंग। देखो, इंटरक्रॉपिंग के अंदर वो कौन सी फसल प्रणाली है जिसमें इकाई क्षेत्र के आधार पर दोनों फसलों की पैदावार उसकी शुद्ध फसल की तुलना से अधिक होती है, क्या कहलाती है? ये देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये आपके पास
5 बीघा जमीन थी। बीघा ले लो, हेक्टर में ले लो, तुलना ही तो करनी है। ये 5 बीघा जमीन थी। अब देखो इसमें आपने इंटरक्रॉपिंग की है, इसमें आपने इंटरक्रॉपिंग की है, मान लो वीट और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग की है, वीट और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग की है, तो आपको जो प्रोडक्शन मिला है ना वो 40 क्विंटल मिला है, या मैं बोल दूं कि आपको जो प्रोडक्शन मिला है वो 60 क्विंटल मिला है। वीट और मस्टर्ड की आपने इंटरक्रॉपिंग की है और इससे आपको प्रोडक्शन मिला है 60 क्विंटल। इस जगह पर आप अकेला वीट लगाते तो आपको 50 क्विंटल उत्पादन मिलता, अकेला मस्टर्ड लगाते तो हो सकता है आपको 30 क्विंटल उत्पादन मिलता। लेकिन अब देखो आपने क्या किया, इंटरक्रॉप लगाई है, इंटरक्रॉप लगाई है तो उत्पादन कितना मिला है, 60 क्विंटल मिला है। अगर गेहूं लगाते तो 50 क्विंटल ही होता, सरसों लगाते तो 30 क्विंटल होता, लेकिन दोनों को साथ में लगाया तो 60 क्विंटल हुआ, ज्यादा उत्पादन हुआ ना। अगर इंटरक्रॉप में शामिल जो क्रॉप होती है, इंटरक्रॉप में जितनी भी क्रॉप शामिल करते हो, यहां दो बोला है, इंटरक्रॉप में आप जितनी भी क्रॉप शामिल करते हो अगर उनका प्रोडक्शन उस इंटरक्रॉप में शामिल दोनों फसलों को अगर आप प्योर स्टैंड करते यानी अकेला लगाते उनकी तुलना से ज्यादा हो रहा है, अकेला गेहूं लगाते तो भी उसकी तुलना से ज्यादा, अकेला सरसों लगाते तो उसकी तुलना से भी जाता है। कहने का मतलब इंटरक्रॉप में शामिल क्रॉप का प्रोडक्शन अगर इंटरक्रॉप के दौरान ज्यादा होता है, प्योर लगाते तो उतना नहीं होता जितना इंटरक्रॉप में हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहला है एंटागोनास्टिक क्रॉपिंग। देखिए एंटागोनास्टिक क्रॉपिंग क्या होती है, ऐसी फसल जो कुछ इस तरह के बायोकेमिकल रिलीज करती है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टर सिस्टम को प्रभावित करता है या किसी और सिस्टम को प्रभावित करता है और उसको पनपने नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनास्टिक क्रॉप। जैसे क्या है, मैं बात करूं मैरीगोल्ड, गेंदा, गेंदा अगर आप लगाते हो तो वो क्या करता है, नेमेटोड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है और रिप्रोडक्शन, सॉरी जो नेमेटोड होता है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होने देता और नेमेटोड की आबादी नहीं बढ़ने देता और नेमेटोड का कंट्रोल कर देता है। तो ऐसी क्रॉप जो ऐसे बायोकेमिकल प्रोड्यूस करती है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर एंटागोनास्टिक इफेक्ट डालती है, विपरीत प्रभाव डालती है, उसको पनपने नहीं देती है, अगर कोई ऐसी क्रॉप आप लगाते हो तो उसे आप बोलते हैं एंटागोनास्टिक क्रॉप। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैंने कौन सा बताया आपको, कि अगर आप मेरीगोल्ड गेंदा लगाते हो तो वो सूत्रकृमि का नियंत्रण कर देता है, तो उसको बोलते हो आप एंटागोनास्टिक क्रॉप। तो जाहिर सी बात है ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता है। सिनर्जेटिक क्रॉप्स, देखो सिनर्जेटिक क्रॉप यही होता है, अगर इंटरक्रॉप में शामिल क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन जो है वो उनकी सोल या प्योर अगर क्रॉप लगी है तो उसकी तुलना से ज्यादा, इंटरक्रॉपिंग का प्रोडक्शन ज्यादा है, प्योर का नहीं है, सोल क्रॉप का नहीं है, सोल मतलब एक खेत में सिर्फ एक ही फसल लगा रहे हो तो वो सोल क्रॉप है, सोल क्रॉप की तुलना से इंटरक्रॉपिंग से प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है तो उसको आप बोलेंगे सिनर्जेटिक क्रॉप। जैसे एग्जांपल हम पोटेटो और सुगर केन को अलग अलग लगा देते हैं तो उतना उत्पादन नहीं मिलता जितना पोटेटो और सुगर केन को आप साथ में लगा देते हो, तो ये सिनर्जेटिक क्रॉप का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो आपका, सॉरी बी की बात करें, हाँ बी ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रही, देखो स्टूडेंट अगर आप आपस में बात करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप दोबारा क्लास नहीं ले पाओगे। ये जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है और पढ़ाने के लिए है, तो प्लीज आपस में डिस्कस ना करें, अदरवाइज आपको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चलिए सिनर्जेटिक क्रॉप मैंने बता दिया, आपस में ये रिश्तेदारी निकालने का प्लेटफॉर्म नहीं है, पढ़ा करो इसमें, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी MPRHU का रिजल्ट आया है, उनसे पूछ लो कितने क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है LA क्रॉपिंग। देखो LA क्रॉपिंग क्या होता है, एक रिले होता है और एक क्या होता है, LA होता है। रिले और LA में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो LA की बात कर लेते हैं फिर रिले की डिफरेंस अपने आप ही सामने आ जाएगा। वैसे राइट आंसर तो आपको मिल चुका है। देखिए जिन फसलों के बीच में पौधरोपण दूरी बहुत ज्यादा होती है, झाड़ियों में या पेड़ों में ही होती है, किसमें होती है, झाड़ियों में या पेड़ों में ही होती है, तो जिन पौधों के बीच में पौधरोपण दूरी ज्यादा होती है उसके बीच हम क्या करते हैं, कोई दूसरी फसल लगा लेते हैं,
उनके बीच में कोई दूसरी हम क्या है सीजनल क्रॉप लगा लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एले क्रॉप। मेरा कहने का मतलब है बाग के अंदर ऑर्चार्ड के अंदर आप कोई बीच बीच में सीजनल क्रॉप लगा लेते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं एले क्रॉप। वैसे तो वास्तव मींस क्या है जिनमें पौधरोपण दूरी बहुत ज्यादा है, जिनमें पौधरोपण दूरी क्या है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिनमें पौधरोपण दूरी बहुत ज्यादा होती है, पौधरोपण दूरी तो बाग वाली फसलों में ज्यादा होती है, उनके बीच में अगर आप क्या करते हैं कोई सीजनल क्रॉप एग्रोनॉमी क्रॉप लगा लेते हैं, जैसे लेग्यूमी लगाते हैं, ज्यादातर बाग में लेग्यूमी लगाना चाहिए क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा और जो बाग है उसके पेड़ों को भी क्या करेगा मतलब बेहतरीन मतलब ग्रोथ देगा। तो मेनली तो एले क्रॉप में आप जो फसल लगाओ, आपसे पूछ ले एले के लिए सबसे बेहतरीन क्रॉप कौन सी है तो आप कौन सी बोलोगे लेग्यूम। लेकिन आपने क्या है कोई लेग्यूम लगा लिया, कोई नॉन लेग्यूम लगा लिया, सीरियल्स क्रॉप लगा लिया, या फिर मैं बात करूं पल्सेज लगा लिया, ऑयल सीड लगा लिया, ट्यूबर क्रॉप लगा लिया, राइजोम क्रॉप लगा लिया, या फिर मैं बात करूं कोई वेजिटेबल आपने लगा ली, साउथ इंडिया वाले जिंजर लगा लेते हैं ना इस तरह से। तो अगर जिसमें डिस्टेंस प्लांटिंग डिस्टेंस ज्यादा होती है यानी बाग के बीच में अगर आप कोई दूसरी सीजनल क्रॉप्स लगा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एले क्रॉप। एले क्रॉप को एवेन्यू क्रॉप्स भी कहा जाता है, एले क्रॉप्स को एवेन्यू क्रॉप्स भी कहा जाता है। वैसे एवेन्यू प्लांट्स क्या होते हैं, जो रोड साइड प्लांट होते हैं ना वो एवेन्यू प्लांट्स है, रोड साइड घर होते हैं वो एवेन्यू हाउस होते हैं, लेकिन अपने इसको एवेन्यू क्रॉप्स भी बोलते हैं। ऐसे लगता है बीच में रोड है, साइडों में क्या है पेड़ लगे हुए, इसलिए आप इसे क्या बोल देते हो एवेन्यू क्रॉप्स है, वो भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। देखो रिले क्रॉपिंग क्या होता है, एक तो होता है स्क्वेंस क्रॉपिंग। स्क्वेंस तो हम देखते ही हैं कि पहली फसल लगाई उसकी कटाई की और उसके बाद दूसरी लगाई, दूसरी की कटाई की उसके बाद तीसरी लगाई, ये स्क्वेंस क्रॉपिंग है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए पहली फसल आपने लगाई उसकी कटाई से पहले ही आप अगली फसल लगा देते हैं और उसकी कटाई से पहले ही अगली फसल लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। इसे यूपी बिहार वाले क्या बोल देते हैं पेरा बोल देते हैं, और जो एमपी वाले हैं वो इसे क्या बोल देते हैं उतेरा। तो ये पेरा फार्मिंग, उतेरा फार्मिंग, रिले क्रॉपिंग या फिर ओवरलैपिंग क्रॉपिंग एक ही बात होती है, पहली फसल की कटाई से पहले ही अगली फसल लगा दी जाती है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल देते हैं रिले क्रॉपिंग। बट इसमें जो राइट आंसर था वो आपका क्या राइट आंसर था, बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपके जो भी क्वेश्चन है कोई एडिशनल इधर उधर के क्वेश्चन है वो जस्ट क्विज खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए और मैं बताता हूं आपको, ठीक है, बीच में नहीं। बीच में इधर उधर के क्वेश्चन पूछोगे तो क्विज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मैं सिर्फ आपको ही रिप्लाई करते रहूंगा और सारे बच्चे एक एक ही क्वेश्चन पूछ लेंगे तो जाहिर सी बात है क्विज नहीं हो पाएगी, आपके ही क्वेश्चन का आंसर जा पाएगा। तो प्लीज क्विज के लास्ट तक, लास्ट में जब आपसे बोला जाता है कि हाँ बताइए अब आपको कोई, कल मैंने कम से कम 5-7 मिनट डिस्कस किया था ना, तो कई बार क्विज जल्दी हो जाती है, मेरे पास टाइम होता है तो अपने डिस्कस करते हैं उस समय पूछा करें। एप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री स्टेम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ, तने के चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किसी कीट को प्रभावी ढंग, किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। देखिए जनरली क्या है पेड़ है उसके चारों ओर अपने थैली बांधेंगे है ना, तो इससे क्या होता है कोई कीट है उसकी मादा जनरली मिट्टी में अंडे देती है, उसका लार्वा या निम्फ, जाहिर सी बात है इनकम्प्लीट मेटामोर्फिज्म है तो निम्फ निकलेगा और कंप्लीट मेटामोर्फिज्म है तो क्या है लार्वा निकलेगा। तो वो निम्फ या लार्वा क्या है इस तने के सारे चढ़कर ऊपर जाके अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो निम्फ या जो लार्वा है ऊपर पहुंच गया और उसके बाद आपको इंसेक्टिसाइड डालकर नियंत्रण कर रहे हो, केमिकल भी लग रहा है, इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है, मैनेजमेंट में खर्चा भी ज्यादा लग रहा है, इससे बढ़िया इस पे हम कुछ ऐसी थैली बांध देते हैं कि उससे वो निम्फ या जो लार्वा है ऊपर ही नहीं चढ़ पाएगा, उसकी ग्रिप ही नहीं बनेगी, लुढ़क जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्री बाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? ट्री बाइंडिंग। और ट्री बाइंडिंग से कौन से इंसेक्ट का कंट्रोल किया जाता है, ट्री बाइंडिंग से कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंगो लीफ हॉपर, देखो ये तो आम का सबसे खतरनाक इंसेक्ट है इंडिया के अंदर, एक्सपोर्ट करते हो तो फ्रूट फ्लाई है लेकिन वैसे अपने इंडिया का सबसे खतरनाक इंसेक्ट बात करें तो मैंगो लीफ हॉपर ही है, आम का खुद का ही है, ठीक है। निर्यात के लिए फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है।
मैंगो मिलीबग, बिल्कुल ठीक है, मैंगो मिलीबग ही राइट आंसर है। मैंगो मिलीबग के कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, ट्री बाइंडिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? ट्री बाइंडिंग का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, है ना। इसके किनारों पर अपने ग्रीस भी लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे से क्या है, लार्वा या फिर जो मैं बात करूं कि ये निम्फ है वो निकल ना जाए। लेकिन अगर आप ग्रीस नहीं लगाते हैं तो इस तरह से टाइट डोरी भी बांध सकते हैं, फिर वो नीचे से नहीं निकल पाएगा। ग्रीस नहीं लगाना चाहते तो आप टाइट डोरी से भी काम चला सकते हैं, जैसे देखो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। देखते हैं कौन बताता है। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ मोनोकोट, लगभग मोनोकोट के अंदर, ठीक है। दूसरा है मोस्ट ऑफ मोनोकोट एंड सम डाइकोट, लगभग मोनोकोट में और कुछ डाइकोट में। अच्छा ऑप्शन ही गलत पड़ दिया भाई। पहला है मोस्ट ऑफ मोनोकोट, अधिकतम एक बीज पत्री, मोस्ट ऑफ डाइकोट, अधिकतम द्वि बीज पत्री में, मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स एंड सम डाइकोट्स, कुछ मोनोकोट्स, सॉरी लगभग मोनोकोट्स और कुछ एक डाइकोट्स, मोस्ट ऑफ डाइकोट, लगभग डाइकोट्स और कुछ एक मोनोकोट्स के अंदर। हाइपोजियल जर्मिनेशन पूछा। देखो दो तरह का जर्मिनेशन होता है, एक तो इपिजियल होता है, एक हाइपोजियल होता है। एक इपिजियल होता है, एक हाइपोजियल होता है। देखो इपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है, अभी इपिजियल को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो नहीं मेरे को पता। देखो आप जब बीज लगाते हैं और उससे जब फोलियज निकलता है तो उसके साथ अगर कोटलीडन बाहर आ जाता है, ऐसे टोपी सी बाहर आ जाती है ना, अगर कोटलीडन बाहर आता है, बीज अंकुरित होता है और उसके साथ कोटलीडन बाहर आ जाता है, उसको इपिजियल बोलते हैं। अब कोटलीडन क्या करता है, जब बाहर आता है तो इसको स्ट्रेंथ देता है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा क्या, ये पहले फोलियज का काम करेगा, पहली पत्तियों का काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं इपिजियल। इपिजियल के अंदर हमेशा ही क्या होता है, एक होता है इपिकोटाइल, एक होता है हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल इपिजियल के अंदर क्या करता है, तने की लंबाई बढ़ाता है। हाइपोकोटाइल एक भाग होता है बीज का जो क्या करता है, इपिजियल जर्मिनेशन में तने की लंबाई बढ़ाता है। इसलिए आप जिसमें भी इपिजियल अंकुरण होता है उसको गहराई पर लगा सकते हैं, 3 से 4 इंच तक गहराई पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 इंच गहराई पर लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोजियल कौन सा होता है, जब बीज अंकुरित होता है तो उसके साथ कोटलीडन बाहर नहीं आता है। बीज जब अंकुरित होता है उसके साथ कोटलीडन साथ में नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोजियल। हाइपोजियल में क्या होता है, जो कोटलीडन की स्ट्रेंथ मिल रही थी वो मिल नहीं रही है। दूसरा, इसका जो हाइपोकोटाइल होता है वो जड़ की लंबाई बढ़ाएगा, न कि तने की लंबाई बढ़ाएगा, इस वजह से इसको ऊपर लगाना पड़ेगा, थोड़ा उथला लगाना पड़ता है। तो हाइपोकोटाइल बीज को आपको ऊपर लगाना पड़ेगा और ये अंकुरित होगा तो इसके साथ टोपी जैसा कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, कोटलीडंस है वो साथ में नहीं आएंगे। अब एक चीज ही आपको ध्यान में रखनी है, देखो मोनोकोट जो बीज होता है, मोनोकोट बीज में एक एम्ब्रियो होता है, एक एंडोस्पर्म होता है और बाहर वाला सीड कोट यानी बीज का आवरण होता है। ये मोनोकोट बीज में होता है, एक तो एम्ब्रियो होगा, एक एंडोस्पर्म जो भंडारित भोजन है वो होगा, एक सीड कोट होगा। ये मोनोकोट बीज का हाल होता है, इसमें एंडोस्पर्म होता है, इसलिए मोनोकोट बीज को आप एंडोस्पर्मिक सीड बोल देते हैं। मोनोकोट बीज को आप कौन सा सीड बोल देते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड है वो बोल देते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म को एल्बुमिन भी बोल सकते हैं, इसलिए आप इसको एल्बुमेनिक सीड भी बोल सकते हैं मोनोकोट को। डाइकोट होता है, उसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो कोटलीडन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कोटलीडन में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा भाई, कोटलीडन में। तो इसमें क्या होता है, एक कोटलीडन होता है, एम्ब्रियो होता है और वही सीड कोट होता है। अब मैंने क्या बोला कि हाइपोजियल में कोटलीडन बाहर आता ही नहीं है। देखो डाइकोट होता है ना, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता, कोटलीडन होता है, इसलिए डाइकोट को आप नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमेनिक सीड बोलते हो। तो एक चीज तो ध्यान रखो कि जो कोटलीडन है वो किसमें होता है, डाइकोट में होता है।
मोनोकोट में कोटलीडन नहीं होता, एंडोस्पर्म होता है। तो ये कोटलीडन लाएगा कहां पे जब अंकुरण करेगा? तो मोनोकोट में कोटलीडन है ही नहीं, कोटलीडन है ही नहीं तो अंकुरित होगा तो कोटलीडन बाहर कैसे आएगा? तो मोनोकोट में कभी भी अंकुरण के समय कोटलीडन बाहर आता ही नहीं, और जिसमें कोटलीडन बाहर नहीं आता वो कौन सा होता है? हाइपोजियल। सभी मोनोकोट के अंदर, सभी मोनोकोट के अंदर क्या होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। यहां तक तो बात रही थी। अब मैं बात करूं कि जो खरीप के डाइकोट होते हैं या खरीप के जो लेग्यूम हैं, इनमें तो एपिजियल होता है। क्या होता है? इनमें तो एपिजियल होता है। क्या होता है? इनमें तो एपिजियल होता है। खरीप के जितने भी लेग्यूम हैं जो डाइकोट है, ज्यादातर इनमें क्या होता है? एपिजियल होता है। ज्यादातर इसमें क्या होता है? एपिजियल होता है। बस एक को, लेग्यूम को छोड़ दो, किसको? पीजन पी को, अरहर को। अरहर में क्या होता है? जनरली हाइपोजियल होता है। देखो, अरहर खरीप का होते हुए भी हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन बाकी खरीप के जितने भी लेग्यूम है सब में क्या होता है? एपिजियल, यानी कोटलीडन बाहर आता है। लेकिन रबी की बात करोगे तो रबी के जितने भी लेग्यूम है इन सब में क्या होता है? लेग्यूम डाइकोट है भाई, इसीलिए लेग्यूम का एग्जांपल ले रहा हूं। लेग्यूम के जितने भी रबी के जितने भी लेग्यूम है उन सब में क्या होता है? हाइपोजियल होता है। सिर्फ किसको छोड़ के? राजमा को छोड़ के। राजमा में एपिजियल होता है। राजमा रबी का होते हुए भी इसमें क्या होता है? एपिजियल। अब देखो अपने तीसरे ऑप्शन पे चले, मोनोकोट में तो होगा ही हाइपोजियल, लेकिन खरीप की अरहर यानी पीजन पी और रबी के राजमा को छोड़ के बाकी लेग्यूम इनमें क्या होता है? हाइपोजियल ही होता है। तो सम डाइकोट आगे या नहीं आगे? सम डाइकोट आगे या नहीं आगे? तो मोस्ट ऑफ तो मोनोकोट्स में, और सम डाइकोट्स के अंदर क्या है? हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा कॉटन में देखने को मिलता है, उसके अलावा सनफ्लावर में भी आपको देखने को मिलता है। एपिजियल की बात कर रहा हूं। देखो एपिजियल किसमें देखने को मिलता है? जो खरीप के पल्सेज है, लेग्यूम है, उनके अंदर एपिजियल है। किसको छोड़ के? अरहर को छोड़ के। उसके अलावा रबी में तो सिर्फ एक ही है जिसमें एपिजियल होता है, वो कौन सा है? राजमा है। इसके अलावा कॉटन में, सनफ्लावर में आपको एपिजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है, नीम में भी एपिजियल देखने को मिलता है, और भी प्लांट्स में देखने को मिलता होगा। हाइपोजियल की बात करेंगे तो सारे के सारे मोनोकोट में हाइपोजियल है। जो रबी के लेग्यूम है राजमा को छोड़ के, उसमें कौन सा है? हाइपोजियल है। और उसके अलावा खरीप का जो पीजन पी है उसमें भी कौन सा है? हाइपोजियल। तो सम डाइकोट्स आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है, वो आपका राइट होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली स्फेरोफाइटिक, मतलब एक ऑर्गेनिज्म स्फेरोफाइटिक है, मर्तपोजीवी है, स्पोरोफाइटिक है। देखो स्पोरोफाइटिक या मर्तपोजीवी वो होता है जो मर्त जीवों जीवित पदार्थ, जो मर्त जैविक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मर्त पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करता है, डेड मटेरियल से भोजन प्राप्त करता है, वो कौन सा है? स्पेरोफाइट्स है, मर्तपोजीवी है। ए ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली स्पेरोफाइट्स बट द अंडर सर्टन कंडीशन Maybe parasite is no. है तो spherophytes मर्तोजीवी है, लेकिन कभी कभी क्या बन जाता है? वो कभी कभी पेरासाइट बन जाता है। कभी कभी क्या बन जाता है? पेरासाइट बन जाता है, यानी परजीवी बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? पहले तो यहां पे दो शब्द है, उन शब्दों पे गौर करें। एक तो है फैकल्टेटिव और दूसरा है ऑब्लिगेटिव। देखो ऑब्लिगेट का मतलब होता है ओनली, एक ही ऑप्शन है, लाचार है वो, मतलब एक ही चीज पे निर्भर है पूरी तरह से, पूरी तरह से एक ही चीज पे निर्भर है, वो ऑब्लिगेट है। फैकल्टेटिव क्या है? फैकल्टेटिव वो है जिसके पास ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब आपसे पूछ बोल दे कि ऑब्लिगेट पेरासाइट, ऑब्लिगेट पेरासाइट का मतलब है पक्का ही क्या है? वो परजीवी है, पेरासाइट है, किसी जीवित जीव पे ही जिंदा रहेगा, मर्त पे रह ही नहीं सकता है। और ऑब्लिगेटिव स्पेरोफाइट्स यानी मर्त भोजन पे ही जिंदा रहेगा, बाकी जीवित जीव पे आ ही नहीं सकता है। तो ये तो ऑब्लिगेट का मतलब है लाचार, ओनली, ओ से ऑब्लिगेट, ओ से ओनली, जिसके पास ओनली ऑप्शन है, जिसके पास एक ही चीज है, तो वो कौन सा होगा? ऑब्लिगेट होगा। फैकल्टेटिव का मतलब है जिसके पास ऑप्शन है। अब देखो है क्या? स्पेरोफाइट है।
स्फेरोफाइट है लेकिन कभी कभी क्या बन गया, पेरासाइट बन गया। है स्पेरोफाइट्स लेकिन पेरासाइट नहीं है, लेकिन पेरासाइट बन गया है स्पेरोफाइट्स, यानी कभी कभी फैकल्टी के रूप में आ गया है, बाकी है नहीं, कभी कभी फैकल्टी के रूप में आ गया, ओरिजिन तो उसका स्पेरोफाइटिक ही है। तो अब क्या है, जो वो बनने जा रहा है, जो है वो नाम नहीं लेंगे, अब जो है वो नाम नहीं लेंगे, जो है वो तो ठीक है, वो कभी कभी बन जाता है, कभी कभी बन जाता है, वही आपका आंसर होगा। तो ये कभी कभी क्या बन जाता है, पेरासाइट, है ना, कभी कभी पेरासाइट की भूमिका निभाता है, तो इसको बोलेंगे फैकल्टेटिव पेरासाइट। फैकल्टेटिव पेरासाइट का मतलब है पेरासाइट नहीं है भाई, ये स्पेरोफाइट है, लेकिन ये क्या है, अभी कुछ टाइम के लिए पेरासाइट बना हुआ है, पेरासाइट का नाटक कर रहा है, तो स्पेरोफाइट सही है, कैसा, स्पेरोफाइट्स है, तो हम इसको बोलेंगे फैकल्टेटिव पेरासाइट बोलेंगे। जो बन रहा है वो है नहीं लेकिन बनने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान रखो, वो फैकल्टेटिव क्या हो जाएगा, पेरासाइट, बी ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल दूं कि एक ऐसा जीव जो स्पोरोफाइट है, स्पेरोफाइट्स है, वर्तपोजीवी है, सॉरी ये तो हो ही गया, एक ऐसा जीव, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पेरासाइट है, पक्का पेरासाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं, पेरासाइट है, लेकिन जब उसको कोई पौधा जीव मिला ही नहीं खाने के लिए, तो वो मर्त भोजन पे भी कुछ दिन के लिए काम चला लेगा, जैसे ही उसको जीव मिलेगा वापस उस पे आ जाएगा, जैसे ही उसको जीव मिलेगा वापस वो क्या करेगा, उस पर वापस आ जाएगा। तो है तो वो पेरासाइट, कुछ दिन के लिए स्पेरोफाइट्स बन गया, तो अब बताओ उसको क्या बोलोगे आप, है तो वो पेरासाइट लेकिन कुछ दिन के लिए वो क्या है, स्पेरोफाइट्स बन गया, अब उसको क्या बोलोगे, अब बताओ क्या बोलोगे, अगर समझ में आया तो फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट्स बोलेंगे। पेरासाइट तो है ही, उसकी तो जिक्र ही नहीं करना, जो है वो क्या बन गया, स्पेरोफाइट्स बन गया, कभी कभी बना है, तो फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट्स है, फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट्स है, क्लियर है। ऑब्लिगेट का तो फिक्स है, दूसरा बन ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, लेकिन फैकल्टेटिव के पास ऑप्शन है। तो जब ऑप्शन की बात करें तो पहला तो फैकल्टेटिव, जो है वो नाम नहीं आएगा आगे उसके फैकल्टेटिव के, जो बनने जा रहा है, नाटक करने जा रहा है जिसका, उसी का नाम आएगा, ध्यान रखना है ना, जो है उसका नाम नहीं है, तो क्या ये स्पेरोफाइट्स, लेकिन बनने की क्या कोशिश कर रहा है, पेरासाइट, तो फैकल्टेटिव पेरासाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है आपका, जेनसन इन 1887 डेवलप हॉट वाटर ट्रीटमेंट टू कंट्रोल विच डिजीज ऑफ व्हीट, ओट एंड बार्ले। नकल मारने का ऑप्शन है आपके पास यहां पर। जेनसन ने 1887 में गेहूं, जई और जौ के किस रोग को नियंत्रित करने के लिए गर्म जल उपचार विकसित किया था, यानी गेहूं, जौ, जई के दानों को गर्म पानी में डाल देते हैं, कितने गर्म पानी में, इतने गर्म पानी में डालो कि जो एम्ब्रियो है वो ना मर जाए, इतने गर्म पानी में डाल दो एम्ब्रियो ही मर जाए, फिर उस बीज का ही क्या करोगे भाई, उस बीज का क्या करोगे, कोई काम का बीज बचा ही नहीं है वो। तो 52 डिग्री सेल्सियस तापमान का पानी होगा, 10 मिनट के लिए आप उसको उपचार करेंगे, जिससे कौन से रोग का उपचार हो जाएगा, कौन से रोग का उपचार हो जाएगा भाई, गेहूं, जो जई का। ए ऑप्शन है लीप ब्लाइट, बी ऑप्शन है स्टेम रस्ट, सी ऑप्शन है लूज समट, और उसके अलावा स्ट्रिप रस्ट। तो राइट आंसर होगा लूज समट, सी ऑप्शन राइट है। ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, ये खोजा था, ये जेनसन ने 1887 में खोजा था, इसको हम शुगर केन के अंदर भी काम में लेते हैं, है ना, इसको आप क्या है, शुगर केन के अंदर भी काम में लेते हैं, शुगर केन में फंगल डिजीज है उनके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं, लेकिन बस फर्क कितना है इसमें, तापमान तो उसमें भी 52 रखेंगे, इसमें भी 52 रखेंगे, लेकिन ये जो गेहूं, जो जई है, वीट, ओट, बार्ले है, इसमें 10 मिनट का ट्रीटमेंट देते हैं, गन्ने के जो तने होते हैं यानी शुगर केन के जो सेट होते हैं उसमें कितने टाइम तक के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, 30 मिनट के लिए ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। एक यहां से क्वेश्चन और भी आता है कि लूज समट कैसा डिजीज है, स्प्रेडिंग नेचर के आधार पर, सीड बोरोन, सोयल बोरोन, या फिर मैं बात करूं एयर बोरोन, किस प्रकार का डिजीज है। बिल्कुल शुगर केन में रेड रोट के लिए होता है और भी फंगल डिजीज के लिए होता है। बेड रेस्ट भैया, चरण पकड़ने की जरूरत नहीं, बस पढ़िए, है ना। चलिए बताइए, जो लूज समट है वो किस तरह का डिजीज है, इंटरनल सीड बोरोन डिजीज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखो आसिक पुलिस, ये भी गजब नाम है भाई। चलिए
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब आएगी? बहुत कमेंट पे कमेंट, अरे भाई मुझे क्या पता। देखो वैकेंसी का मुझे पता नहीं होता है कि कब आएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब मैं आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन आ गया और ये वैकेंसी आ गई है। अभी गवर्नमेंट का मामला मैं बोल दूं भाई 4 दिन बाद आ जाए, कल को आप बोल दो कोर्स बेचने के लिए बोल दिया गया ऐसा, तो वैकेंसी कब आएगी ऐसा सवाल मत पूछा करो, कोई इनसे पढ़ाई लिखाई के पूछा करो। या तो मैंने आपको एक दिन पहले बोला था आप मुझे सीएम बना दो, है ना, भी सीएम बना दो। मैं कहता हूं वैकेंसी जाने ही नहीं दूंगा, एक के ऊपर एक आने दूंगा, या तो ये काम करिए या फिर सिर्फ पढ़ाई पूछा करो, वैकेंसी मत पूछा करो, ठीक है। तो मैं बता रहा था लूज समट है वो इंटरनल सीड बोरोन डिजीज है, और जो कवर समट होता है, जो कवर समट होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल सीड बोरोन होता है, कवर समट होता है वो एक्सटर्नल सीड बोरोन डिजीज है। देखो वैकेंसी का अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई रिकमेंडेशन अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी तो बता देंगे, सूचना दे देंगे, अभी मुझे खुद को ही नहीं पता है। ये लूज समट है, आप देख रहे हैं जो दूर से ही दिख जाता है वो लूज समट है, जो ढका हुआ होता है उसको कवर समट है वो एक्सटर्नल सीड बोरोन है, लूज समट है वो इंटरनल सीड बोरोन है। ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो जेनसन ने दिया था, ये लूज सीड लूज समट के कंट्रोल के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, वीट में किया जाता है, बार्ले में किया जाता है, ओट में किया जाता है। पानी का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस रखोगे, ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो एम्ब्रियो मर जाएगा, फिर उस सीड का क्या करोगे भाई, वो सीड आपके कोई काम का ही नहीं, मतलब ही नहीं निकलेगा उसका। नेक्स्ट है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक ऐसा बायोकेमिकल है जिसका यूज हम म्यूटेशन के लिए या क्रोमोजोम डबलिंग के लिए करते हैं, गुणसूत्रों को जस्ट डबल करने के लिए करते हैं, वो म्यूटेशन से ही तो होता है ना। तो कोल्चिसिन जो केमिकल है C12H25O6N, इसका फॉर्मूला भी बता दिया। क्वेश्चन कोई ऐसे मत देखा करो, क्वेश्चन देख लिया भाई मैं क्वेश्चन सोच समझ के बनाता हूं, क्वेश्चन सोच समझ के बनाता हूं, तो उसमें ये कोशिश करता हूं क्वेश्चन से भी इनको कुछ सीखने को मिले, ऑप्शन से भी कुछ से सीखने को मिले। तो अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो फॉर्मूला नोट कर लिया करो, कॉपी रखा करो पास में। एक ये भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जो यूट्यूब पे क्लास लगती है वो फ्री लगती है, जो फ्री वाला पढ़ते हो तब कुछ नोट नहीं करते हो, जब फ्री वाला नोट नहीं करोगे क्योंकि लगता है ना फ्री है, क्या वैल्यू है इसकी, कोई वैल्यू नहीं है भाई, नुकसान होगा ना। जहां से बेहतरीन, मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल से बेहतरीन मिलता होगा, जहां से भी बेहतरीन मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है, उसको नोट किया करो, आपके नोट्स है वो तैयार होने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बस ठीक है चला के आराम से रजाई में बैठ गए, बस सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, नोट किया करो साथ में। पढ़ाई हमेशा एक्टिव फॉर्म में होती है, लेजी फॉर्म में नहीं आती है। कोल्चिसिन फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम कोल्चिसिन किससे प्राप्त किया जाता है, बल्ब ऑफ कोल्चिसिन ऑटोमेनाली। देखो कोल्चिसिन ऑटोमेनाली वो पौधा है जिससे कोल्चिसिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कोल्चिकम ऑटोमेनाली वो पौधा है जिससे कोल्चिसिन है वो प्राप्त किया जाता है। तो कोल्चिन जो पौधा है उसके बल्ब से, उसके स्टेम से, उसकी पत्ती से, उसके फ्लावर से किससे प्राप्त किया जाता है, जो कोल्चिसिन केमिकल है, कोल्चिसिन केमिकल है वो किससे प्राप्त किया जाता है। हाँ देखो मैं बताता हूं, ये कोल्चिसिन प्लांट है और इसका जो बल्ब है उससे कोल्चिसिन केमिकल प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ए ऑप्शन है वो आपका क्या है यहां पर राइट होगा, ठीक है। कोल्चिकम ऑटोमेनाले इसका साइंटिफिक नेम है कोल्चिसिन प्लांट का, और इसके बल्ब से कोल्चिसिन रसायन प्राप्त किया जाता है जिसका यूज आप म्यूटेशन या फिर क्रोमोजोम डबलिंग में करते हैं, जिसका यूज आप म्यूटेशन या क्रोमोजोम डबलिंग के अंदर करते हैं, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्लिस्टिंग रूट्स ऑफ राइस विथ हॉर्स शू शेप टर्मिनल गॉल्स इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ विच नेमेटोड इन्फेक्शन। घोड़े की नाल के आकार के टर्मिनल गोल के साथ चावल की चमकदार जड़ें किस सूत्रकृमि के संक्रमण का। देखो पहला तो जड़ें चमकदार हो जाएगी, इसमें गॉल यानी फूल जाएगी, और इसमें शेप कैसा देखने को मिलेगा आपको, घोड़े की नाल जैसा देखने को मिलेगा। ये कौन से सूत्रकृमि के अटैक का सिम्टम है, इनमें से कौन से सूत्रकृमि के अटैक का ये सिम्टम है बताओ।
कौन से सूत्रकृमि के अटैक की वजह से ऐसे सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ए ऑप्शन है मेलिडोगाइनी। देखो मेलिडोगाइनी वो सूत्रकृमि है जिसकी होस्ट रेंज सबसे ज्यादा है। रूट नोट नेमेटोड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जड़ गांठ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। तो मेलिडोगाइनी ग्रेमिनिकोला, मेलिडोगाइनी इनकोजिनेटिया, मेलिडोगाइनी ट्रिटिकोराइजा, बताओ कौन सा होगा। जिसको नहीं पता वो तो सी आंसर देगा क्योंकि ट्रिटिकोराइजिया लिखा हुआ है, ओराइजिया इसे समझ रहे होंगे ना, लेकिन ये सही नहीं है भाई। जिसको ज्ञान होगा वो ही आंसर दे पाएगा। मेलिडोगाइनी ग्रेमिनिकोला की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। मेलिडोगाइनी ग्रेमिनिकोला के अंदर राइस में ऐसे रूट नोड्स देखने को मिलते हैं, रूट नोड्स देखने को मिलते हैं जो घोड़े की नाल जैसे होते हैं, और जड़ें काफी चमकदार भी दिखती है और फूली भी दिखती है। जड़ें चमकदार दिखती है और बहुत फूली हुई दिखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, ठंड बहुत तेज है। हाँ भाई ठंड तो तेज ही है, ज्यादा सोने में टाइम निकालोगे पढ़ोगे तो हो नहीं, आप लोग जो पढ़ेगा वो एग्जाम निकालेगा, है ना। युवाओं को जब ठंड और गर्मी लगने लग जाए तो उनका पतन शुरुआत हो जाता है। चलिए मतलब वो अंत की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और जिसका गर्मी में भी वही जोश है और सर्दी में भी वही जोश है वो कामयाब हो जाता है। लिटिल लीफ ऑफ एप्पल एंड खेरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट एलिमेंट। सेब का छोटा पत्ती विकार तथा चावल में खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, बताइए भाई। क्वेश्चन क्या पूछा गया, लिटिल लीफ ऑफ एप्पल, एप्पल का लिटिल लीफ और जो धान का खेरा है वो किसके कारण होता है, बताइए फटाफट। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपकी बुद्धि का इस्तेमाल देखना है आप कितना कर रहे हो। देखिए किसी भी पौधे में लिटिल लीफ की बात की जाए, किसी भी पौधे में एक्स वाई जेड कोई सा भी है, तो लिटिल लीफ मेनली जिंक की कमी से होता है। लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। लेकिन ब्रिंजल बैंगन के अंदर माइकोप्लाज्मा, जिसको आप फाइटोप्लाज्मा या एमएलोज बोलते हैं, सभी पौधों में लिटिल लीफ छोटी पत्ती विकार जिंक की कमी से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन ब्रिंजल में माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है, ठीक है। देखो जब किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से या इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन के कारण या प्रॉब्लमेटिक सॉइल के कारण कोई दिक्कत आती है, एबनॉर्मलिटी आती है, तो आप उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर एबायोटिक डिजीज बोल देते हो। तो सभी पौधों में क्या है कि जो लिटिल लीफ होता है वो जिंक की कमी से होता है, लेकिन ब्रिंजल के अंदर एमएलओज या फाइटोप्लाज्मा से होता है। ज्यादातर माइकोप्लाज्मल डिजीज या फाइटोप्लाज्मल डिजीज होते हैं वो किससे फैलते हैं, लीफ हॉपर से फैलते हैं, पत्ती के फुदके से फैलते हैं, जिसको आप जेसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एमएलओ से सिर्फ ब्रिंजल के अंदर होता है, और सिट्रस में बात करें तो सिट्रस में जिंक की कमी से और कॉपर की कमी दोनों से ही देखने को मिलता है, बाकी सभी पौधों में जिंक की कमी से देखने को मिलेगा। ब्रिंजल में लिटिल लीफ है वो किससे देखने को मिलेगा, एमएलओ से देखने को मिलेगा। सिट्रस में जिंक की कमी से भी होता है और कॉपर की कमी से भी होता है। तो यहाँ लिटिल लीफ इन एप्पल पूछा है तो जिंक की कमी से होता है, और धान का खीरा तो होता ही पक्का जिंक की कमी से है, तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। अब 50% बच्चों ने गलत कर दिया, आते हुए भी गलत कर दिया, इससे बोलते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे गलत करवा सकता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे गलत करवा सकता है, ये ऐसे ही करवा सकता है। ओनली जिंक की कमी से ही दोनों डिसऑर्डर होते हैं। आपको क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए सिर्फ उसको अपनी भाषा में ही परिवर्तन करना है, क्वेश्चन टफ देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को करें पूरा सोच विचार के करें, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़े नेक्स्ट।
पेपर टफ होता नहीं है, उसकी लैंग्वेज टफ होती है और डर जाते हैं अपने। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन स्टेट, राज्य में टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना कौन से राज्य में हुई थी? सबसे पहली बार ये 1939 में हुई थी। कौन से राज्य में हुई थी? जिस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसी राज्य में होगी। आपको ही पता है कई प्रकार की टीडी है, उसमें से डेजर्ट टीडी है वो सबसे खतरनाक है, और डेजर्ट कहां पे है? राजस्थान में है। तो लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर में 1939 में राजस्थान में बना था। राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन है, क्योंकि सबसे खतरनाक जो टीडी है वो कौन सी है? डेजर्ट लोकार्ट्स ही है, और डेजर्ट लोकार्ट्स जो है यानी मरुस्थलीय जो टीडी है वो ये होती है, ठीक है। और इसके नियंत्रण के लिए फिर कहां पे लोकस्ट वार्मिंग और जो ऑर्गेनाइजेशन है बनना चाहिए था? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पे बना भाई? जोधपुर में। कब बना भाई ये? 1939 के अंदर बना। सबसे खतरनाक टीडी कौन सी है? डेजर्ट लोकस्ट है, और जिसका नाम क्या होता है? सिस्टोसेरिया गर्गेरिया, है ना, ये वाली जो आप देख रहे हैं, देख लेना, नाम भी लिख लेना इसका, सबसे खतरनाक टीडी है ये। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन है, इन कॉकरोच विच टाइप ऑफ हेड इज प्रेजेंट, कॉकरोच में किस प्रकार का सिर पाया जाता है ना, हेड किस प्रकार का पाया जाता है? जो बिल्कुल सामने होता है ये देखो, इसको आप क्या बोलते हैं? प्रो गेनेथस, है ना, प्रो गेनोथस बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ झुका होता है उसको बोलते हैं हाइपोगेनेथस बोलते हैं, ठीक है। और जो ऐसे झुककर पैरों में मुड़ा हुआ होता है, पैरों की तरफ गया हुआ होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? ओपिस्थोगेनेथस बोलते हैं। तो कॉकरोच में किस प्रकार के जो हेड है वो देखने को मिलता है? इसको आप देखो, सामने की तरफ है ना, प्रोगेनोथस बोलेंगे उसको, नीचे की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोगेनेथस बोलेंगे, और पैरों की तरफ मुड़ा हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं? ओपिस्थोगेनेथस बोलते हैं। तो बताइए कौन सा राइट होगा, कॉकरोच में किस प्रकार का होता है? कॉकरोच और ग्रास ऊपर में एक जैसा ही होता है, कॉकरोच और ग्रास ऊपर में एक जैसा ही होता है। तुक्के मार रहे हैं सारे के सारे, कोई बात नहीं, पुतीन का सही है, अंजलि का भी सही है, हाइपोगेनेथस प्रकार का होता है। ग्रास ऊपर और कॉकरोच में हाइपोगेनेथस प्रकार का हेड होता है। फिर हम बात करें प्रोगेनेथस प्रकार का किसमें देखने को मिलता है, नोट कर लेना, नहीं पता है तो कोलियोपटेरा टाइप भी बोलते हैं इसको, प्रोगेनेथस को, है ना, बिट्टल के अंदर देखने को मिलता है, ग्राउंड बिट्टल होता है उसमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? बिल्कुल सही है, 90 डिग्री पे होता है ना। चलिए प्रोगेनेथस है ये, आपको ग्राउंड जो बिट्टल होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, और ओपिसिथोगेनेथस है वो स्टिंग बग के अंदर देखने को मिलता है। किसमें? स्टिंग बग में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिजीज इन कॉटन इज ए कॉम्प्लेक्स फंगल डिजीज, कपास में किस प्रकार का रोग एक जटिल कवकीय रोग है? देखो जटिल कवकीय रोग जिसमें एक से ज्यादा रोग कारक होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स डिजीज बोलते हैं या जटिल रोग बोलते हैं, बताइए अभी इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स फंगल डिजीज है? कॉम्प्लेक्स फंगल डिजीज है, कॉम्प्लेक्स फंगल डिजीज है। ए ऑप्शन है रूट रोट, किससे होता है भाई? राइजेक्टोनिया फंगस से, चलो बात करते हैं बाद में। रूट रोट है, लीफ ब्लाइट है, बॉल रोट है और ग्रे मिल्ड्यू है, बताइए इनमें से कौन सा डिजीज है जो कॉम्प्लेक्स डिजीज है? कॉम्प्लेक्स डिजीज है, देखो कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा रोग कारक होते हैं। देखो अगर हम रूट रोट की बात करें
जड़ गलन की बात करें, रूट रोट को हिंदी में क्या बोलते थे हो, जड़ गलन बोलते हो। तो रूट रोट किससे होता है, राइजेक्टोनिया से होता है, पढ़ाई होगा आपने। लीफ ब्लाइट है वो अल्टर, ये सभी कॉटन के डिजीज है। रूट रोट होता है राइजेक्टोनिया कवक से, एक से ही होता है ये तो नहीं है। लीफ ब्लाइट है ये अल्टरनेरिया कवक से होता है, एक ही कवक से होता है ये भी नहीं है। और उसके अलावा ग्रे मिल्ड्यू की बात करें तो ग्रे मिल्ड्यू भी एक फंगल डिजीज है जो सिर्फ एक ही फंगस से होता है। कौन से होता है, रेमुलेरिया से होता है। किससे होता है, रेमुलेरिया से, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, कौन सा, बॉल रोट, है ना, जो कॉटन का फ्रूट होता है उसको बॉल बोलते हैं। कैप्सूल को क्या बोलते हो आप, बॉल बोलते हो, ठीक है। ये जो बॉल रोट होता है ना, ये कई प्रकार के फंगस से होता है, जैसे फ्यूजेरियम से भी होता है, और उसके अलावा जो कोलेटोट्राइकम है उससे भी होता है, और उसके अलावा हम बात करें तो जैसे राइजोप्स है उससे भी होता है, और भी इक्के दुके फंगस है उनसे देखने को मिलता है, एस्परजिलस से भी देखने को मिलता है, कोलेटोट्राइकम बताई दिया, फ्यूजेरियम आपको बताई दिया, तो कई फंगस से देखने को मिलता है। तो बॉल रोट क्या होगा, यहां पर राइट आंसर होगा, है ना, राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो राइट होगा, कई फंगस से होता है। चलिए भाई आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, आपको बताई दिया, पंजाब एडियो का ऑनलाइन बैच चल ही रहा है आपका, अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से एक्सेस करें। डेमो तो वैसे यूट्यूब पे भी बहुत दे दिए, बाकी डेमो के लिए भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वो ही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है ये, जो बुक्स है सारी आपके सिलेबस के अनुसार बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आनी है, और इसमें लाइव मॉक टेस्ट भी मिलने। बट एक चीज ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पार्ट ही करवाया जाएगा, सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पार्ट ही करवाया जाए। सर एक एंगुलर लीफ स्पॉट वो होता है, अरे भाई वो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, ठीक है। चलिए कैसे रहे क्वेश्चन, बढ़िया रहे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सर क्लासेस बंद क्यों थी, क्लासेस बहुत थी और है ना टाइम ही नहीं मिलता था, अब कुछ रिलैक्सेशन मिला है तो इस वजह से क्लास स्टार्ट कर दी। मुकेश कुमार रुपए कितने देने होंगे, काई के रुपए दे रहे हो भाई तुम, मीडियम बायलैंगुअल होगा, जो अभी मैं पढ़ा रहा था वही मीडियम। नोट्स आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे, पढ़ाने का जो तरीका होगा जो अभी आपने देखा वो होगा, ठीक है। अमनदीप सिद्धू बस कोशिश तो दिल्ली की रहती है बट काम हो जाते हैं तब नहीं हो पाते हैं। बुक्स मिलेगी भाई मुकेश कुमार, है ना, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, बाकी आप एप्लीकेशन पे विजिट करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना। पवन निम्बी वाला है, थैंक यू भाई, वीक में 3-4 दिन आ रहे, 6 दिन आने की कोशिश करेंगे। टीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे चल रही है। चलिए ठीक है भाई, पंजाब एडियो का देखो पेपर का अभी कोई टेंटिव डेट तो है नहीं, डेट और कोई वैकेंसी मैं तभी बोलता हूं जब मैं खुद क्लियर होता हूं ना, पहले बोलने से फायदा क्या है, अपने को कोर्स ही थोड़ी बेचने अकेले। केवी में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी क्यों नहीं है, इसका तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है। बिल्कुल ऐप में है बुक, CUT का कोर्स 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है भाई। ओके थैंक यू, मिलते हैं कल 8:15 पे। ओके गुड नाइट।